नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास भी रुपए क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों NPCI रुपए क्रेडिट कार्ड को लेकर 4 से 5 नए ऐसे दोस्तों रूल्स लेकर आ रहा है, जहाँ पर दोस्तों अब आपके लिए रुपए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना और बेनिफिशरी हो जाएगा आपके लिए, और अच्छा यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर होने वाला है। चाहे आपके पास किसी बैंक का भी रुपए क्रेडिट कार्ड हो, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है। सभी रुपए क्रेडिट कार्ड पे नए रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर ये 4 से 5 जो नए दोस्तों नए रूल्स नए नियम जो आ रहे हैं वो कौन से होने वाले हैं, पूरा यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में जो है वो समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक यहां पर मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो यहां पर डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक मिलेंगे। रुपए क्रेडिट कार्ड के लिंक भी है और बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल मिल भी चुके हैं। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन खोल के अपने मनपसंद क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिए, मिल सकता है आप लोगों को इंस्टेंट अप्रूवल। तो चलिए दोस्तों वापस यहाँ पर हम लोग टॉपिक पे जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 न्यू रुपए क्रेडिट कार्ड रूल्स, NPCI न्यू फीचर्स फॉर रुपए क्रेडिट कार्ड, यानी 3 नए रूल जो है NPCI यहाँ पर लाने वाला है। सो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे NPCI न्यू फीचर्स फॉर रुपए क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों NPCI रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोग देख पाएंगे रुपए क्रेडिट कार्ड इंक्लूड EMI फैसिलिटी ऑन दी लिंक क्रेडिट अकाउंट ऑन UPI ऐप, यानी आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इन ऐप के थ्रू अपने रुपए क्रेडिट कार्ड जो भी ट्रांजेक्शन करी है उसको EMI में कन्वर्ट करवा पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड लिमिट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलने वाला है। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड लिमिट मैनेजमेंट का ऑप्शन क्या है, यानी कि अपने लिमिट अपनी मर्जी से आप लोग यहाँ पर बढ़वा पाएंगे अपने रुपए क्रेडिट कार्ड की। जब भी आपको जरूरत होगी तो लिमिट आपकी उससे बढ़ा दी जाएगी। तो ये ऑप्शन कैसे काम करने वाला है आगे चलकर पूरा आपको समझाता हूँ। आइए तो दोस्तों यहाँ पर जो नया फीचर आएगा आपके रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर, सबसे पहले वो आएगा EMI वाला। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप अपने फोन पे, पेटीएम इनके थ्रू दोस्तों EMI कन्वर्ट करवा पाएंगे। लेकिन EMI कन्वर्ट कैसे करवा पाएंगे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है कि यहाँ पर मान लीजिए आपने अपने फोन पे के ऐप से कोई पास में रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करी है और उसको आपने EMI में कन्वर्ट करवाना है, तो आपने यहाँ पर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाकर जो फोन पे के अंदर है आपने जो भी ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट करवाना है उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पर आप लोग EMI में कन्वर्ट करवा पाएंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि जो इश्यूअर बैंक है, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से भी EMI कन्वर्ट कराते हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो जो इश्यूअर बैंक है वो भी यहाँ पर उस EMI को यहाँ पर दोस्तों जो है ख़त्म नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, उसके पास ये रूल नहीं है। क्योंकि तो कस्टमर के पास रूल रहेगा कि वो किसी भी ऐप से EMI कन्वर्ट करवा सकता है। हालांकि यहाँ पर जो भी दोस्तों आप लोग EMI कन्वर्ट करवाएंगे उसको यहाँ पर एज अ लोन जो है आपके सिविल के अंदर शो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हैं लास्ट टाइम लिखा है एज इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लोन। तो यहाँ पर एज अ लोन वो आपके ऐप के अंदर शो होगा, लेकिन जैसे आप लोग पूरी रिपेमेंट कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा। तो यहाँ पर EMI थर्ड पार्टी ऐप से अपनी मर्जी से आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर RBI एक नया रूल और लेकर आया है कि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपको कुछ बैंक्स लगे HDFC बैंक, ICICI बैंक आप लोगों को UPI क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर RBI ने बोला है कि जिनके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है वो कस्टमर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड और दोस्तों जो उनको बैंक से क्रेडिट लाइन दी गई है लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक और भी बैंकों ने यहाँ पर क्रेडिट लाइन फैसिलिटी चालू करी है, उनको यहाँ पर थर्ड पार्टी UPI ऐप्स लाइक फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम UPI इन पे यहाँ पर अब आप लोग दोनों ही दोस्तों रुपए क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लाइन ऑन UPI को एक साथ UPI पर थर्ड पार्टी ऐप से लिंक कर पाएंगे। और जो मर्चेंट QR कोड्स होते हैं, यानी जो पेटीएम का, फोन पे का QR कोड होता है, उन पे यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने UPI क्रेडिट लाइन के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे और रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। यानी दोनों ही दोस्तों UPI क्रेडिट लाइन और रुपए क्रेडिट कार्ड को आप लोग थर्ड पार्टी ऐप्स पर UPI के थ्रू लिंक कर सकते हैं और UPI पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सो यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट जो आ रही है कि जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती है इनके थ्रू दोस्तों आप लोग अपने जो
यूपीआई क्रेडिट लाइन है या फिर जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उनके बिल्स को हैंड टू हैंड क्लियर कर पाएंगे, और जो इश्यूअर बैंक है उनको भी हैंड टू हैंड यहाँ पर जो बिल अगर आप पेमेंट करते हैं तो इंस्टेंटली आपके दोस्तों यहाँ पर आईडी से जो आपका रुपए क्रेडिट कार्ड वगैरह है उनसे बिल यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है इन्हीं ऐप से आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कितना अमाउंट है, बैलेंस कितना है आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर, कितना पास में आपका बैलेंस ड्यू है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और यहीं से दोस्तों आप लोग ऑटो पेमेंट लगा सकते हैं, आपने कोई ईएमआई वगैरह बनवानी है तो यहीं से आप लोग ऑटो पेमेंट भी लगा सकते हैं। ऑटो पे लगाएंगे तो ऑटो पे यहीं से एक्टिवेट हो जाएगा और ऑटो पे यहीं से बंद हो सकता है। तो थर्ड पार्टी ऐप्स को यहाँ पर एनपीसीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के मामले में कुछ एक्स्ट्रा पावर जो है वो देने जा रहा है, आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल सकती है, बहुत ही अच्छी चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो है वो होने वाली है। सब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों जो आपको आपके दोस्तों रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर एनपीसीआई देने वाला है कि लिमिट मैनेजमेंट, यानी कि दोस्तों आप अब थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू ही अपने लिमिट को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से जब आपको दोस्तों ज़रूरत होगी आप अपने लिमिट को यहाँ पर बढ़वा पाएंगे, आप लोग देख पाएंगे। द इशू फर्म विल अलाउ टू द कंज्यूमर टू दी अप्लाई फॉर अन इंक्रीज इन देयर क्रेडिट लिमिट, और जब भी क्रेडिट लिमिट आप बढ़वानी है अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। कस्टमर विल यूज़ दिस फीचर एट फेस्टिवल्स, ऑन फैमिली वेकेशन, इन एमरजेंसी व्हेन देर आर स्मॉल कैप ऑन एचओसी एक्सपेंसेस एंड वाइल मेकिंग लार्ज परचेज। तो यहाँ पर आपके हाथ में आपको पावर दी जा रही है, उसके आप लोग देख पाएंगे जो भी लिमिट आप इंक्रीज करवाएंगे आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा है दैट दिस फंक्शनलिटी विल इनेबल चेंज द क्रेडिट लिमिट थ्रू यूपीआई ऐप, यानी कि यूपीआई ऐप के थ्रू आप लोग फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, गूगल पे, इनके थ्रू आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़वा पाएंगे जब आपकी मर्जी होगी, वह आपको बैंक पे यहाँ पर डिपेंड नहीं रहना होगा। तो यहाँ पर ये फीचर कैसे काम करने वाला है, जब दोस्तों ये फीचर लॉन्च होंगे तभी यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे पाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको कमाल के फीचर रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सबसे लास्ट वाला फीचर जो लिमिट अपनी मर्जी से आप लोग बढ़वा पाएंगे, मुझे सबसे ज़्यादा वेट इसी चीज़ का है। बाकी आपको दोस्तों ये अपडेट कैसे लगी हमारे को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर जो नई अपडेट यहाँ पर आने वाली है मैंने पूरा यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में जो है समझा दिया है। बाकी दोस्तों आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, ये जो अपडेट्स आ रही है आपके लिए अच्छी है बुरी है, आपको पसंद आई या ना आई, हमारे को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों फिर से बता रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग फिर मिस कर जाएंगे क्रेडिट कार्ड के इंस्टेंट अप्रूवल जो कि मैंने लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो जाकर जरूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को मिल सकता है इंस्टेंट अप्रूवल, बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है और बहुत सारे लोग अप्लाई कर भी रहे हैं, तो आप लोग कहीं पीछे ना रह जाए। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।